तो आप हमको ये बताइएगा कि आपका एक चैनल का नाम क्या है और आप किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पे। मेरा चैनल का नाम जो है सिंटू सक्सेस पॉइंट की है, जैसे आप सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में भाई डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यह जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो और किसी से रिलेटेड हो, लगभग जॉब जो है मोस्टली जो है जॉब वो जितने भी है वो जॉब से रिलेटेड, या तो कोई अपडेट आ गया हो सरकारी हो प्राइवेट हो किसी भी प्रकार का, तो उनसे रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वो यानी कि जितने भी AEJEE का नोटिफिकेशन आता है ऑल ओवर इंडिया में, उसका जॉब नोटिफिकेशन ये अपने चैनल पे डालते हैं। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और वहाँ पे आप लोग विजिट करके, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जाके अगर आपको इच्छा करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। और ये सिंटू जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप यूट्यूब और पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं। बस इसमें जो है यूट्यूब तो मतलब लगभग दो घंटा के आसपास टाइम ले लेता है, क्योंकि उसको एडिट भी करना होता है, कंटेंट भी खोजना होता है, उसके बाद बनाना भी होता है। उसके बाकी जो टाइम बचता है तो मैनेज करना पड़ता है, कहीं कहीं किसी जगह का जो मतलब होता है ना, एक्चुअली कहीं कोई बात करता है तो उस सब टाइम को मैनेज करके जो है इसको जो है हम एक साइड में रख के इसको चला रहे हैं। अच्छा, आपसे हम एक बात पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे क्वेरी जाती है, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए पटना में रहकर मतलब कि कितना रुपया में रह सकते हैं और एक महीने में कितना ओवरऑल खर्च हो जाएगा पटना में रहने पर, जो सीरियसली में पढ़ाई करने आते हैं, ज़्यादा फूर फार नहीं करते हैं। नहीं, हुआ जो है कम से कम जो है यहाँ आप लोग अगर आप रहेंगे तो मिनिमम जो है 3,000 के आस पास जो है एक आदमी को और एक स्टूडेंट को जरूर लग जाएंगे, क्योंकि उनमें आप लोग देखते हैं कि वह समय के अकॉर्डिंग जो हर चीज़ वैरी करते रहता है, उसका दाम जो है कीमत जो है वैरी करते रहता है, कभी गैस बढ़ गया कभी यह हुआ, मतलब आप समझ के रखिए कि 3,000 मिनिमम जो है आप लोग को खर्च आएगा पटना में रहने के लिए। आपका खर्च ओवरऑल पर मंथ कितना पड़ जाता है और आपके रूम का रेंट कितना है? मेरे रूम का रेंट जो है लगभग 1600 रुपया है। बिजली बिल साथ में? हाँ, बिजली बिल साथ में। ओवरऑल कितना खर्च पड़ जाता है एक मंथ में? वही लगभग 3,000 के आसपास चल जाता है। तो आप अपना देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका कुछ शायद पढ़ रहे थे, तो आप अपने बुक और या नोट्स दिखाना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? हाँ, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? तो ठीक है, बैक कैमरा से आप लोग को दिखा देते हैं इनका बुक वगैरह और नोट्स वगैरह, इनका बैक कैमरा से दिखा देते हैं। आप दिखाइएगा अपना बुक वगैरह, ये आपको कोचिंग से ही मिला है ना? हाँ, सभी कोचिंग से ही दिया गया है। ये आपको MCQ हो गया वॉल्यूम फर्स्ट है, ये आपको SSC JEE का क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये भी MCQ सेकंड हो गया। और आप अपना नोट्स थोड़ा सा दिखा दीजिए। नोट्स में बस यहाँ आप लोग मतलब एक कंटेंट पहले जो प्रोवाइड किया जाता है किस प्रकार से पढ़ना है। हाँ, BMC का नोट्स, जैसे BMC है बिल्डिंग मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन है, तो इसके बाद जो है इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ जैसे ब्रिक पढ़ाया जा रहा है तो ब्रिक के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रीफली नॉलेज देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट लग रहा है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, और जो ज़्यादा पॉइंट लग रहा है तो उसको नोट में देख सकते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, हाँ, तो उसको नोट में लिख सकते हैं। और नोट में लिखने के बावजूद होता क्या है कि उसको जो है आप जो है अलग माइंड ऑफ सेटअप हो जाता है कि हमको इसको कम से कम तो पढ़ना है हाँ। बार बार पढ़ना है, ठीक है, रिपीट उसको करना। ओवरऑल यही इसी टाइप से सब पूरा नोट्स है जो इनको बनवाया गया है और ये बनाए हैं। तो ये आपका नोट्स हो गया BMC का, ये आपका क्या हो गया, ये बुक हो गया, कंटेंट हो गया, और कुछ नोट्स यहाँ है और कुछ नोट्स वहाँ है। तो यही था इनका नोट्स। तो फाइनली इनका नोट्स आप लोगों का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और सिंटू जी, आप लास्ट में हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे क्या? हाँ, बोलना यही चाहेंगे कि आप लोग के साथ जो है बात करके बहुत अच्छा लगा और साथ में आपके साथ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जहाँ भी है जहाँ पे भी है तो सुरक्षित रहिए और जो है कोरोना का पालन कीजिए, जो भी नियम कानून है, और साथ में पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत ना है। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप बढ़ाइए, आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। और भाई के चैनल पर अगर जो भी पहली बार आए हैं तो भाई का जो चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना है।
तो थैंक यू और इनका भी चैनल विजिट कर लीजिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहता है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ है, और अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और हाँ, आप जहाँ भी हो सुरक्षित रहो और पढ़ाई करते रहो, कोरोना गाइडलाइंस का जो नियम है वो आप पालन करते रहो और बच के रहो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।